ले आगे बढ़ते देहरादून से खबर, जहां कांग्रेस नेता अकील अहमद पार्टी से बर्खास्त किए गए हैं। पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है। चुनावों के दौरान अकील अहमद ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाए जाने को लेकर बयान दिया था, इससे कांग्रेस को चुनावों में भारी नुकसान उठाना पड़ा है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी कई बार अकील अहमद को लेकर सवाल खड़े कर चुके हैं। कल भी अकील अहमद ने फिर से मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर बयान दिया था और आज पार्टी संगठन ने अकील अहमद पर कार्रवाई करते हुए उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। तो जहां चुनावों में कांग्रेस को हार झेलनी पड़ी है और ऐसे में इस बयान की भी एक बड़ी भूमिका देखी जा रही थी, जिसके बाद अब ये फिर से दोहराए जाने पर कार्रवाई हुई है। अब बढ़ेंगे आगे। अंतर्राष्ट्रीय डेफ ओलंपिक में 10 मीटर की एयर राइफल शूटिंग प्रतियोगिता ब्राजील के लिए रुड़की के शौर्य सैनी का चयन हुआ है, जिसे लेकर परिवार और शहरवासियों में खुशी का माहौल नजर आ रहा है। आपको बता दें कि 18 साल के शौर्य सैनी पिछले 4 सालों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शूटिंग में कई मेडल जीत चुके हैं। आगे मैं कोशिश करूंगा कि एक सोने का पदक मिल जाए, तो बहुत खुशी है कि मैं आगे और मेहनत करूं, क्योंकि अभी मेरे पास 1 महीना और बचा है, उसी में मैं खूब ट्रेनिंग करूं। कि हमें ये मदद चाहिए कि जो किट और राइफल है वो पुरानी हो चुकी है 4 साल। मैं ये चाहता हूं कि अब जो अच्छी सी राइफल और नई किट मिल जाए तो उससे मुझे और कुछ फ़ायदा मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौड़ी थैली सेंड में शराब के नशे में धुत सरकारी स्कूल के प्रधानाचार्य पर शिक्षा विभाग ने जांच बैठा दी है। वीडियो का संज्ञान शिक्षा विभाग के अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मंडल और मुख्य शिक्षा अधिकारी ने लिया है। अब जल्द ही इस प्रधानाचार्य पर गाज गिर सकती है। दरअसल नशे में धुत प्रधानाचार्य का वायरल वीडियो राजकीय प्राथमिक विद्यालय कुडेत का बताया जा रहा है, जहां प्रधानाचार्य स्कूली बच्चों को भी नशे की हालत में ही पढ़ा रहे हैं। और यही वीडियो है जो वायरल हुआ, आप देख सकते हैं, न ठीक ढंग से कपड़े पहने हैं और नशे की हालत में ही क्लासरूम में बच्चों के सामने ये प्रधानाचार्य मौजूद हैं। और देखिए, नशे की हालत में पूरे समय स्कूल के अंदर रहना अब भारी पड़ा है इन पर। बढ़ते हैं आगे। ऋषिकेश से एक वरिष्ठ संत ने आश्रम में मुसलमानों की ओर से नमाज पढ़े जाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है, जिसके बाद धर्मनगरी हरिद्वार के संतों ने ऋषिकेश के संत का विरोध करना शुरू कर दिया है। संतों का साफ कहना है कि ये संत सनातन धर्म संस्कृति का अपमान कर रहा है।